ऑल राइट गाइज, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका प्यारा मास्क मैन आ गया हूँ एक और रिएक्शन के साथ वापस। गाइज, आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पाकिस्तानी नौकरी पर नहीं बल्कि हैदराबाद, यानी कि इंडिया में जो हैदराबाद है, हैदराबाद डेक्कन, उसके नौहे पर रिएक्ट करने वाले हैं, यानी कि मेरे शहर के खुद के एक नौहा खान के नौहे पर रिएक्ट करने वाले हैं। पहली बार सुन रहा हूँ मैं नौहा खान को, सीरियसली बोल रहा हूँ, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, पहली बार सुन रहा हूँ। मेरी बात हो चुकी है, मैंने उनसे परमिशन ले ली कि मैं क्या आपकी वीडियो को अपने मतलब रिएक्शन में यूज कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी वीडियो पर रिएक्ट करता हूँ। तो उन्होंने थैंकफुली उन्होंने मुझे इसकी परमिशन दे दी, थैंक यू सो मच सर। शाहनवाज अली नाम है उनका, इस नोहे का नाम है अली आए मुसलमान शाहनवाज अली न्यू नोहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 2021 एंड 1443 हिजरी, अगर इस्लामिक कैलेंडर देखा तो। ठीक है, देखते हैं किस टाइप का ये नोहा है, मतलब कितना अच्छा। ऑब्वियसली देखो, पहली बार हैदराबादी नोहा मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं तकरीबन मतलब पाकिस्तानी नोहा सुनता हूँ, एक चंद नोहे सुनता हूँ हैदराबाद की, यानी कि जो कि यहाँ के अंजुमन के होते हैं वही सुनता हूँ, ऐसा ऑफिशियली जो रिलीज होता है वो मैंने आज तक नहीं सुना। तो ट्राई करते हैं, देखते हैं किस तरह का ये नोहा है, कितना अच्छा ये नोहा है। बगैर टेबस के रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, जाके इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए ताकि हम लोग अपडेटेड एंड कनेक्टेड रहें। बगैर टेबस करें रिएक्शन वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। या हुसैन 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 मुसलमान, काश सोचा होता के मोहम्मद का नवासा है ये। है मुसलमान, काश सोचा होता के मोहम्मद का नवासा है ये। गलत सजदा में है मैं, सो मजबूर भी है, कहीं रोज का प्यासा है ये। कलाशा है ये زینب کا دلاسا ہے یہ اے مسلمان تو یہ بھی نہ
सोचा ये जो कैदी है बने हक जहरा का सासा है ये समझता क्यों है सुन के खुतबा मेरा मलून बिगड़ता क्यों है बोली ज़ैनब के ये खुतबा ही नहीं सुन पाक कुरान का खुलासा है ये नौहा लिखने के लिए दर्द मिला है तुझको तेरे अल्फाज में है फा मा ज़हरा की दुआ तेरा अंदाज जुदा सा है ये शाहनवाज अली सर बहुत ज़बरदस्त नोहा था ये मतलब एक अलग ही दर्द था इस नोहे में बहुत ज़्यादा दर्द है मतलब एक तरीके से बयान भी हो रहा है कि मतलब किस चीज़ का मतलब घराना किस चीज़ का है किन का घराना है किन किन लोगों का घराना है और मुसलमानों से घिला भी है मतलब यार उनको मुसलमान नहीं कह सकते मैं मेरे हिसाब से तो मुसलमान नहीं कह सकते उन्हें कलमा गो कहो क्योंकि वो बस नाम के मुसलमान थे यार मुसलमान मुसलमान मतलब इस्लाम नहीं लाए थे वो मतलब इस्लाम नहीं लाए थे बस वो ज़ाहरी तौर पर मुसलमान थे तो इसलिए मेरे हिसाब से मुसलमान नहीं कहा जा सकता बट तकरीबन हर नौवा खान ये यूज़ करता है इसमें कोई बुराई भी नहीं है क्योंकि वो ज़ाहरी मुसलमान थे बट मुसलमान तो थे ओके ज़ाहरी थे ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए ज़ाहरी मुसलमान थे वो तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं वीडियो के उसके तरफ यानी कि बनों की तरफ स्टैंजाज की तरफ उसमें एक स्टैंजा में मुझे ये चीज़ मुझे चुभी बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ दिल को लगी कि ये घराना जैन मतलब ये घराना पाक घराना है ये घराना सैदानियों का घराना ये घराना सैयद का घराना है एक बार सोच लेते कि ये घराना बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा बीबी पाक बीबी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा का घराना है ये बात मुझे क्यों छुपी पता है तुम्हें यार जिन्होंने बीबी को कोर्ट में दरबार में इतना मतलब इतनी देर ठहराया इतनी अजियत दी इतनी तकलीफ़ दी वही तो लोग थे ये जिन्होंने उनके बेटे पर इतना जुल्म किया तो किस तरह वो सोचते कि अरे मेरे बीबी मतलब बीबी जहरा के बेटे है ये इन्हें मतलब ये बहुत वो है मतलब इन मतलब सबको पता था कि उनका रुतबा क्या है उनका मुकाम क्या है बट दुश्मनी यार दुश्मनी जो उनकी नफसी दुश्मनी थी और
उनको जो लालच थी पैसों की, शहर की, मतलब जमीन की, जायदाद की, माल की जो लालच थी, उन्हें इमाम वक्त से गाफिल कर दी। ओके, तो ये लाइन मुझे चुभी यार, के जो लोग जिन्होंने इमाम हुसैन की माँ को दरबार में ठहराया, उन्हें उन्हें इतनी तकलीफ दी, तो वो लोग इमाम हुसैन का गम क्या समझेंगे, इमाम हुसैन को क्या समझेंगे। और के ये मतलब अताए सानिये जहरा है ये आज़ादारी, तो ये कैसे मतलब हट सकती है। ये भी एक बन में था कि ये आज़ादारी है अताए सानिये जहरा, तो ये किस तरह इस दुनिया से ता क़यामत ख़त्म हो सकती है। और स्टार्टिंग में बीवी ज़ैनब ये लश्कर अजीज से, दुश्मनों से, खातिलों से, इमाम हुसैन के खातिलों से ये मुखातिब होकर कह रही हैं कि ए मुसलमान, ए मतलब ए खातिलो, ये इमाम मतलब तुम किसको, मतलब तुम किस तरह मेरे भाई के जनाजे को, मेरे भाई के लाशे को पत्थरों के नीचे छुपाते हो। ये वो लाशा है, ये उसका लाशा है जिसको, ये उनका लाशा है जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कांधे पर बिठाते थे, तुम उसके लाशे को दबाते हो, ये उसका लाशा है। ये बहुत मतलब दर्द भरी लाइन है यार, के कोई अपने बहन को, कोई कोई बहन देख रही है कि अपने भाई का सर अपने मतलब उसके सामने ज़िबा हो रहा है, और उसके बाद उसका लाशा पामाल हो रहा है, पत्थरों के नीचे दब रहा है, तो सोचो उसके दिल पर क्या क्या गुजरी होगी। बहुत ज़बरदस्त समा था, लिटरली बहुत ज़बरदस्त समा था, सही बोलूँ मैं। और बीच में जो मतलब मीर हसन मीर टाइप था, के जैसे थोड़ा बहुत एक बन होता है जिसमें जो है सो मातम रुक जाता, सिर्फ नौहा खान पढ़ते नौहा मातम रुक जाता, फिर वापस जब जवाब आता तो उस टाइम पर मातम स्टार्ट होता। वो पार्ट मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है वो पार्ट, जैसे कि मैंने हर वीडियो में बोलता हूँ मेरे संग मेरे के मुझे बहुत पसंद। हाँ गाइज, ये संगत नाम की एक बहुत ज़्यादा मशहूर अंजुमन है, तो उनके नौहा खान है ये शनावर अली। अभी मैंने देखा अंजुमन संगत या ग्रोह है संगत कुछ लिखा हुआ था, तो मैं समझ आ के हाँ ये संगत के नौहा खान हैं, इनको मैंने देखा भी था कहीं पर। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपकी आप परमिशन दिया आपकी वीडियो यूज़ करने के वास्ते मेरे वीडियो में, थैंक यू सो मच। तो बस यार गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक दैट बेल नोटिफिकेशन टू बी नोटिफाइड फ्रॉम द एवरी अपडेट फ्रॉम माय चैनल। कमेंट बिलो कि आप लोगों को वीडियो कैसी दिखी, क्या मैं ऐसे ही और इंडियन नौहों पर यानी इंडियन हैदराबाद जो भी नौहे हैं इंडिया के अंदर के एक्सेप्ट पाकिस्तानी, वो तो मेरा करते ही रहूँगा, वो तो मैं उससे हटके इंडियन नौहों पर भी मैं क्या रिएक्ट करूँ, इस पर मुझे आपके रिव्यूज़ चाहिए। क्या ये अच्छी लगी वीडियो, इसी तरह क्या मैं कंटिन्यू रखूँ या फिर सिर्फ पाकिस्तानी वीडियोज़ पर रिएक्ट करूँ, ये मुझे आप लोगों का रिव्यू चाहिए। कमेंट कैसी थी कि बोलो, कौन से नौहों पर रिएक्शन होना बोलिए, मैं बिल्कुल अब करने की स्टार्ट करूँगा, रिएक्शन के मतलब रिक्वेस्ट पूरे करूँगा 12 मुहर्रम के बाद, लेकिन 11 से 12 मुहर्रम के बाद करूँगा, मजलिसों से मैं फारिग हो जाऊँगा उसके बाद करूँगा। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में जल्द से जल्द, तब तक के लिए हालते सजदा में है मैं, सो मजबूर भी है, और कहीं रोज का प्यासा है ये।